अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बात छोटी जी? पता नहीं बाबूजी, सुमन पर कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है सुमन? सुमन कहीं गई नहीं है, उसे किडनैप किया गया है। बता किसने किडनैप किया सुमन को? बता। मैंने जो किया वो नंदन बाबू के कहने पर किया। उन्होंने ही मुझसे सुमन जी को किडनैप करके कलकत्ता ले जाने वाली बात कही थी। माँ, माँ बिग बी आ गए। सुमन कहाँ है नंदन? सुमन कहाँ है? सुमन? मुझे क्या पता सुमन कहाँ है? वो तो आप सबके साथ ही थे ना, मैं खुद छोड़ के गया था। ये गुंडे जो तुमने भेजे थे तुम्हारे पीछे से और सुमन को उठा के ले गए, पहचानो इन्हें? यही थे ना वो जो सुमन को लेके गए हैं? बोलो नंदन, सुमन कहाँ है? दीदी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कहाँ बेटा पैदा किया है तूने? छुटकी का कसूर है तुम्हारे बेटे का? है? हमारे दामाद जी पे शक कर रही थी ना तुम? लो, देख लो अपने बेटे को, सारा कसूर इसका निकला। वाह, कितना बढ़िया बेटा पैदा किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने प्लानिंग जरूर की थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं करवाई। सुमन की जान खतरे में, और अभी के लिए हमें आपस की सभी प्रॉब्लम्स को भुलाकर सुमन को ढूंढना चाहिए। सुमन की जान खतरे में, मान लिया इसने, अब तो मुंह खोलो। मुझे कुछ फूटो तो सही कि क्या सजा दोगी अपने खुद के बेटे को? है? बोलो छटकी। पूरा राक्षस बन गया है तुम्हारा बेटा। हाँ बड़ी माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, राक्षस बन गया था मैं, लेकिन मुझे राक्षस बनाया किसने? जब भी मैं अपनों से दूर जाकर गैरों का साथ लिया, मैं राक्षस बना, फिर वो चाहे तानिया हो या मूवी। और इसमें आपका भी साथ था बड़ी माँ, मत भूलिएगा। और अगर सुमन की किडनैपिंग मैंने करवाई है तो? अरे क्यों, बता कहाँ है सुमन? सच कह रहे हैं, हमको नहीं पता। ये नहीं पता क्योंकि इसने किडनैपिंग करवाई नहीं, और मेरे हर साजिश में साथ देने वाला अगर कोई है तो वो ये। और ये क्यों मामी जी, बताइए ना कि आपने मुझे उकसाया नहीं था सुमन को किडनैप करने के लिए? नंदन बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, हमको क्या पता था कि आप ये सब करने का सोच रहे हैं? ग्रेट, अनबिलीवेबल, सच में। आप मामी है ना सुमन की, लेकिन माँ से भी ऊंचा दर्जा दिया है उसने आपको। माँ जैसा मान सम्मान दिया है उसने आपको, और आपने उसके लिए इतना घिनौना खेल खेल लिया। शबनम जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? हम काय करेंगे ये सब? ये भी पूछ रहे हैं, काय किया ये सब? नंदन, सुमन किडनैप हुई है, हम उसको वापस आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब लोगों की उंगलियां तुम पे उठ रही है नंदन, उसको सही सलामत घर लेके आओ, कैसे भी कहीं से भी। अगर नंदन को सुमन को किडनैप करवाना होता तो वो सुमन के कहने पे मुझे ढूंढने नहीं जाता। नंदन बेगुनाह है,
इस पर ये गलत इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप लोग। ये लॉकेट किसका? ये लॉकेट तो सुमन का है। ना हम जनामी केउरे, ना हम जनामी कुंडले नुपुरे तो भी जानामी नित्यम पदाभि वंदना। अर्थात हे प्रभु, ना तो मैं सीता मैया के बाजू बंद को पहचानता हूँ और ना ही उनके कुंडल को पहचानता। मैंने कभी देखी नहीं बीपी, ये सुमन मतलब उस लॉकेट पर कभी तेरी नजर नहीं पड़ी, क्योंकि तेरी नियत में कभी कोई खोट नहीं था। सुमन को सबसे ज्यादा तुझ पर विश्वास था। वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहती थी कि नंदन लौट आएगा, वो बस भटक गया है। अगर आज सुमन को कुछ हो गया तो सुमन को कुछ नहीं होगा, पर भी हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे सुमन का। टेंशन मत लीजिए। यहाँ फूलों की सजावट वाला टेम्पो खड़ा था, टेम्पो कहाँ चला गया? कहीं सुमन इस टेम्पो में तो नहीं? जी कल पूजा का उद्दापन है, राय बहादुर साहब ने कहा है पूरे गौशाला को सजा दिया जाए। नंदन हमेशा सुमन का पता मिल जाएगा, चल मेरे साथ। चल मेरे। अब सब लोग सौरभ जीजू को कहीं जाने मत देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें सब कुछ पता है। चलिए बिप्पी। नंदन संभाल के जाना बेटा। चल दादाजी। अगर आपके ये दामाद हैं, तो हमारे पति भी तो हैं। क्या वो अंकल किसी को ढूंढ रहा है क्या? बेटा, जब मैं आपको पट्टी बांध रहा था, यहाँ पीछे एक फूल वाला टेम्पो खड़ा था। क्या आपको कुछ याद है? आपने उसमें कुछ देखा? नहीं अंकल, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन आपने ही तो कहा था ऊपर वाला सब देखता है। ये मैंने कैसे मिस कर दिया? नंदन, जो टेम्पो यहाँ पर खड़ा था, अगर उसमें कोई भी एक्टिविटी हुई है तो वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई होगी। हमें इस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करनी चाहिए।